ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव रिजल्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतना गिर सकती है तो देश के आम चुनाव में ये कुछ भी करने को तैयार है। ये बेहद चिंताजनक है और इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चंडीगढ़ में महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मात दिया। इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। समझौते के तहत आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था। कांग्रेस ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर ने 16 वोटों से जीत हासिल किया। वहीं सिंह को 12 वोट ही मिले, 8 वोट अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किए गए वोटों को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाया है। आपकी एक पार्षद ने कहा है कि हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से जीत हासिल की है, मेरे हाथ से बैलेट पेपर छीना गया, 8 वोट भला कैसे अवैध हो सकता है।